खबर मेहंदीनगर सदर प्रखंड पोखराहा कला सहजा फुटबॉल क्लब के नेतृत्व में केंद्रीय सरना स्थल के समीप चल रहे टूर्नामेंट में डीटीएस की सुआ की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में क्षेत्र के 16 टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बताते चले, रामगढ़ उल्टंडा बनाम डीटीएस सुआ की बीच सेमीफाइनल में लगातार दो दिनों के घमासान के बावजूद पेनाल्टी किंग में सुआ की टीम ने 2-1 से शानदार जीत दर्ज कर टूर्नामेंट के फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित किया। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस टीम पलामू बनाम चिड़ियाटांड के बीच खेली गई सेमीफाइनल में चिड़ियाटांड ने 0-1 से पुलिस टीम को परास्त कर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा और अतः टूर्नामेंट का फाइनल आगाज डीटीएस सुआ बनाम चिड़ियाटांड जमुने के बीच खेला गया, जिसमें 90 मिनट के घमासान के बावजूद 5 मिनट गोल्डन चांस में भी दोनों टीमें बराबर रही और पेनाल्टी किक में 5-4 से जीत दर्ज कर सुआ की डीटीएस की टीम ने टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमाया। तो वहीं टूर्नामेंट में चिड़ियाटांड उप विजेता बनी। मौके पर टूर्नामेंट कार्यक्रम के संरक्षक सह समाज सेवी सुनील उराव, स्थानीय मुखिया लाल देवराम, उप मुखिया पंचनाथ उराव सहित राज उराव, कुलदीप उराव, संचालन कर्ता गणेश उराव, रमेश उराव व कई सहयोगी एवं सैकड़ों खेल दर्शक प्रेमी उपस्थित रहे। मेहंदीनगर से द न्यूज रेगुलेशन सन्नी कुमार की ये रिपोर्ट।